अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स प्लांट वाटर रिलेशंस। प्लांट वाटर रिलेशंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम वाटर देखते हैं, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस सॉल्वेंट की यानी कि वाटर की जरूरत होती है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनको इस वाटर की जरूरत पड़ती है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स एज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आल्सो रिक्वायर दिस वाटर फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर देयर लाइफ। इट्स वेरी एसेंशियल, इट्स ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन देम एज वेल। दिस वाटर फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी प्लांट सेल। अगर हम प्लांट प्रोटोप्लाज्म की बात करें, 70% ऑफ द प्लांट प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर, और उसमें फिर बाकी जो सोल्यूट्स डिजोल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, वो मिलाकर जो है प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो प्लांट का 70% जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो वाटर होता है। प्लांट जो है, इसमें जो प्लांट्स में जितनी भी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप रेस्पिरेशन की बात करें या फोटोसिंथेसिस की बात करें या कोई भी और ट्रांसपिरेशन की बात कर लीजिए, हर जगह पर वाटर जो है उसका एक रोल है इन प्लांट्स में। नाउ प्लांट्स जो है वो इस वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये वाटर जो है इट मूव्स टू इनसाइड द टिश्यूज ऑफ द प्लांट लाइक जाइलम, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ ये जो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद प्लांट को वाटर को प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, इसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो रोल प्ले करती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें डिफ्यूजन रोल प्ले करता है, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रोल प्ले करता है, इसमें जो है ऑस्मोसिस वगैरह जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से प्लांट और वाटर के बीच में एक गहरा रिश्ता है, और इस गहरे रिश्ते को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम वाटर को समझें, वाटर के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होता है उसको समझें, और ये समझें कि ये वाटर जो है ये कैसे मूवमेंट करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट्स, और ये सब चीजें मिलकर जो है ये प्लांट वाटर रिलेशंस कहलाती हैं। प्लांट वाटर रिलेशंस में सबसे पहला जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट्स वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, सो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? देखिए, जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। नाउ वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, दे कोलाइड विथ ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स उनमें एक एनर्जी आती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज इन अदर वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री एनर्जी। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, उस टकराने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज फ्री एनर्जी। नाउ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, जो फ्री एनर्जी होती है, टेक्निकली इट्स कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल जब हम डिफाइन करते हैं, वी से दैट इट इज द फ्री एनर्जी अवेलेबल in the molecules of water in a system. तो इसका मतलब है कि water molecule जो है they contain this free energy. This free energy in other words is called as water potential. तो जब water pure form में होता है या किसी system में, या system का मतलब है cell के अंदर होता है, तो water जो है उसके molecules के पास ये free energies होती हैं, और इन्हीं फ्री एनर्जी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वाटर पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा? क्या ये वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर में ज्यादा होगा, या ये वाटर पोटेंशियल जो है सॉल्यूशन में होगा? जब हम वाटर के साथ सॉल्यूट्स मिला देते हैं तो वो सॉल्यूशन बना देता है, तो क्या वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ज्यादा होगा या सॉल्यूशन फॉर्म में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन वहां बहुत ज्यादा होती है,
तो प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वहां कोई सोल्यूट नहीं होता है, वो किसी भी सोल्यूट के साथ अटैच नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं। तो प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत फ्री होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, तो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ज्यादा टकराते हैं। ज्यादा टकराने की वजह से उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है या ज्यादा फ्री एनर्जी आती है, या जिसको हम कहते हैं कि उनका ज्यादा वाटर पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब हम इस प्योर वाटर में सोल्यूट्स मिलाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने शुगर वहां मिला दिया, कोई कार्बोहाइड्रेट मिला दिया या सॉल्ट मिला दिया, अब वो प्योर वाटर प्योर नहीं रहा, अब वो सोल्यूशन की शक्ल में आ गया है और उस वाटर में अब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं अब वो सोल्यूशन फॉर्म में उतनी तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं है जितने वो प्योर वाटर में अवेलेबल होते हैं फ्रीली। अब वो उनके उनके सोल्यूशन में इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो उतनी फ्रीडम के साथ, उतनी आजादी के साथ आपस में नहीं टकराते हैं, क्योंकि वहां सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो उस वजह से इनका मॉलिक्यूल्स जब कम टकराते हैं सोल्यूशन में, वाटर मॉलिक्यूल जब सोल्यूशन में कम टकराते हैं तो उनका फ्री एनर्जी कम हो जाता है या उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और उसकी वजह से उनका वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल या फ्री एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है या सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। तो वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? फ्री वाटर में। और वाटर पोटेंशियल सबसे कम कहां पर होता है? सोल्यूशन फॉर्म में। जब वाटर में सोल्यूट्स ऐड होते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है प्योर वाटर से। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? उसका वैल्यू जीरो है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, जो कि सबसे हाईएस्ट है। और जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में वाटर पोटेंशियल जो है वहां पर कम हो जाता है, वो जीरो से भी कम हो जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो सोल्यूशन में वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है वाटर जितना प्योर होगा उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा, यानी कि जीरो होगा, राइट, या जीरो के नजदीक होगा। और जितना आप वाटर में सोल्यूट्स मिलाएंगे उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होगा, यानी कि वो माइनस में चला जाएगा, राइट। तो दिस इज जो है ये वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई, राइट, और जिसको हम लिखते हैं साई डब्ल्यू। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई डब्ल्यू, राइट। एंड वाटर पोटेंशियल मेजर भी किया जाता है, इसके यूनिट्स जो हैं दे आर प्रेशर के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेगा पास्कल, जो इसका यूनिट है वाटर पोटेंशियल को मेजर करने का, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं भाई कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है उसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि प्योर वाटर में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी ज्यादा फ्री एनर्जी अवेलेबल फ्री एनर्जी होती है। तो प्योर वाटर में इट हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, और कितना है? दैट इज जीरो। जब यही वाटर सोल्यूशन फॉर्म में होता है, या आप जब हम सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं, प्लांट सेल के अंदर जब भी वाटर चला जाता है साइटोप्लाज्म में, तो वहां पर ये प्योर नहीं रहता है वाटर, बल्कि सेल के अंदर इसमें बहुत सारे सोल्यूट्स मिल जाते हैं, शुगर होता है वहां पर, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिंस, मिनरल्स, वो ऐड हो जाते हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ये वाटर सोल्यूशन फॉर्म में हो जाता है। तो जब ये वाटर सेल के अंदर होता है इसका वाटर पोटेंशियल गिर जाता है, माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो यही वाटर इन ए सिस्टम, सिस्टम का मतलब है सेल, कि जब ये वाटर प्योर वाटर सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तब ये प्योर वहां नहीं रहता है, ये सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, और उस टाइम पर इसका वाटर पोटेंशियल जो है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर्म में नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है। तो सेल के अंदर वाटर जो है, चूंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, उसके साथ सोल्यूट्स ऐड हो जाते हैं, तो सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है,
जीरो से भी कम हो जाता है, चूंकि जीरो इज अपर लिमिट, जीरो से भी जब कम हो जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, दैट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है जो कि हाईएस्ट है, और वाटर जब सिस्टम में होता है, सेल में होता है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, वो नेगेटिव में आ जाता है, राइट। नाउ ये वाटर पोटेंशियल जो है, दिस वाटर पोटेंशियल, इसको कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी, वेयर साई डब्ल्यू इज वाटर पोटेंशियल, जहां पर साई डब्ल्यू जो है वो वाटर पोटेंशियल है, इट इज इक्वल टू साई एम, यानी कि इसको मैट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, साई एम इज मैट्रिक पोटेंशियल, साई एस इज सोल्यूट पोटेंशियल एंड साई पी इज प्रेशर पोटेंशियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, राइट, तो वाटर पोटेंशियल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जब हमें वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होता है तो इन तीन कंपोनेंट्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाकर हमें वाटर पोटेंशियल मिलता है। तो वाटर पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू मैट्रिक पोटेंशियल साई एम प्लस साई एस विच इज सोल्यूट पोटेंशियल प्लस साई पी विच इज प्रेशर पोटेंशियल। तो जब हम इन तीन को कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है वाटर पोटेंशियल का वैल्यू हमें मिल जाता है। तो हम इन तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहले वी विल टेक द पहला कंपोनेंट जो है मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल देखिए, मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। व्हाट इज मैट्रिक पोटेंशियल? मैट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज that it is decrease in water potential of water in a cell by absorption of water on सोल्यूट्स। मैट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि जब सेल जो है उसके अंदर जब पानी दाखिल हो जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में जब वाटर इंटर हो जाता है, तो सेल का साइटोप्लाज्म जो है वहां पर बहुत सारे सोल्यूट्स होते हैं, राइट। तो उन सोल्यूट्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं, या तो उनके सरफेस के ऊपर या उन मॉलिक्यूल्स के या उन सोल्यूट्स के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर चले जाता है ये वाटर। तो जब वाटर इन सोल्यूट्स की बॉडी के साथ या बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उससे वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। दिस डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर इन ए सेल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन सोल्यूट्स ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूट्स और इन साइड द बॉडी ऑफ सोल्यूट्स, दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज मैट्रिक पोटेंशियल। तो मैट्रिक पोटेंशियल चूंकि वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, इसका वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब जब मैट्रिक पोटेंशियल एक सेल का देखा जाता है तो ये कैलकुलेट जब किया जाता है तो कहा जाता है कि मैट्रिक पोटेंशियल जो है भाई वो नेग्लिजिबल है, उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होता है, वो ज्यादा वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करता है, राइट। तो इस वजह से जब केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है तब मैट्रिक पोटेंशियल को इग्नोर किया जाता है। तो जब मैट्रिक पोटेंशियल यानी कि साई एम को इग्नोर किया जाएगा तो फॉर्मूला कैलकुलेट जो होती है इस वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, दैट बिकम्स साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस यानी कि सोल्यूट पोटेंशियल प्लस साई पी यानी कि प्रेशर पोटेंशियल और साई एम इग्नोर किया जाता है, यानी कि मैट्रिक पोटेंशियल इग्नोर किया जाता है। तो जब वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होता है तो उस टाइम पर सिर्फ जो है सोल्यूट पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है और उसमें सोल्यूट
प्रेशर पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। तो इन दो को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हमें वाटर पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाता है, राइट। ये हो गया पहला कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, दैट इज मैट्रिक पोटेंशियल। दूसरा कंपोनेंट जो है वाटर पोटेंशियल का, दैट्स कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय साई एस। साई सोल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव। तो क्या सोल्यूट पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट्स, ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट्स। अब जैसे मैंने आपको कहा वॉटर जो होता है, राइट, वॉटर प्योर फॉर्म में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि प्योर वॉटर में वॉटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जीरो होता है। जब हम इस वॉटर में सोल्यूट्स एड कर देते हैं तो जो वॉटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली फिल एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह से चूंकि कोलिजन्स कम हो जाते हैं, राइट, उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका केमिकल पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जब हम प्योर वाटर में सोल्यूट्स एड कर देते हैं वहां पर उस वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। That decrease in water potential of water when we add solutes to it, that is called as solute potential. तो solute potential जो है चूंकि वो water potential को कम कर देता है, that's why इसका value जो है वो negative है। तो इसका मतलब है कि pure water जो है उसका water potential बहुत ज्यादा होता है। जब यही pure water plant cell के अंदर दाखिल हो जाता है, अब मैंने आपको कहा कि plant cell के अंदर जो है बहुत सारे plant cell के अंदर जो है बहुत सारे सोल्यूट्स मौजूद होते हैं। तो जब ये प्योर वाटर प्लांट सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, ये अब प्योर नहीं रहता है, इसके साथ वहां सोल्यूट्स ऐड हो जाते हैं। तो जब सोल्यूट्स ऐड हो जाते हैं तो इस वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसी डिक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल को सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पहले इसको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट कहा जाता था, डीपीडी, आज इसको सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है, या सोल्यूट पोटेंशियल को दूसरा नाम जो है उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट। तो दिस इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ वॉटर पोटेंशियल, दैट इज सोल्यूट पोटेंशियल। एंड थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ वॉटर पोटेंशियल इज दैट्स कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल, साईपी। प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल? प्रेशर पोटेंशियल जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। इसको टर्गर प्रेशर भी कहा जाता है, राइट। नाउ मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में वाटर जो है वो इंटर करता है, इसके अंदर वाटर दाखिल हो जाता है। तो जब इसके अंदर वाटर दाखिल हो जाता है और ये पानी से भर जाती है ये सेल, ये वाटर जो है ये इस सेल की दीवारों पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये इस सेल, वो वाटर जब ये सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो वाटर अंदर से इस सेल की दीवारों पर प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहा जाता है, या उस प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल भी कहा जाता है, राइट। तो जब ये वाटर इस सेल की अंदरूनी दीवारों पर प्रेशर डालता है, टर्गर प्रेशर डालता है या प्रेशर पोटेंशियल डालता है, उसकी वजह से ये सेल जो है ये स्वेल हो जाती है, इसकी इस सेल की स्वेलिंग हो जाती है, इस सेल का साइज जो है वो बढ़ जाता है, राइट। और जितना इस सेल के अंदर वाटर दाखिल होगा
तो उतना ही अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कंसंट्रेशन और भी ज्यादा हो जाएगी पहले से, और जितनी ज्यादा अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, राइट। इन अदर वर्ड्स वहां पर जो ये सॉल्यूशन पहले कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, अब ज्यादा वाटर अंदर जाने की वजह से उस वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन वहां सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। जितनी वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, उतना ही उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतना ही उनकी अवेलेबल फ्री एनर्जी ज्यादा होगी और उतना ही उनका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रेशर पोटेंशियल जितना इंक्रीज होगा, प्रेशर पोटेंशियल जितना इंक्रीज होगा उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये बात समझने की है। जितना प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि जितना इस सेल के अंदर पानी दाखिल होगा और प्रेशर वहां पर क्रिएट होगा इस सेल की दीवारों पर, तो जितना ज्यादा प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो चूंकि पानी के अंदर जाने की वजह से, इस टर्गर प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर पोटेंशियल की वजह से वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि बाई प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि जब हम वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं, एक साई एस एंड साई पी, वेयर दिस साई डब्ल्यू इज वाटर पोटेंशियल, साई एस इज सॉल्यूट पोटेंशियल विच इज नेगेटिव, साई पी इज प्रेशर पोटेंशियल विच इज पॉजिटिव। इन दो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो है वाटर पोटेंशियल का वैल्यू हमें मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोटेंशियल।